अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है आईएडीसी रिक पास का टॉपिक, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कि जाती हिफाजत के वो कौन से आलाजात हैं, वो कौन से पीपीईज हैं जो एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। पहली स्लाइड के अंदर आप देख रहे होंगे ईयर मफ्स, ईयर डिफेंडर्स, ग्लव्स एक्सेट्रा। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हेड प्रोटेक्शन है, मतलब कि सर को हम किसी भी इंजरी, किसी भी इम्पैक्ट से कैसे महफूज रख सकते हैं। हेड प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन हमें करनी किस चीज से है, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कि नीचे अगर हम काम कर रहे हैं तो ऊपर से कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर गिर सकता है। अब ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, ए टाइप्स जो होंगी उनमें तीन है। ए टाइप है फॉलिंग शॉक, शॉक लगने के नतीजे में। बी फॉलिंग हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज के ऊपर आपके गिरने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कोई ऐसी तार, कोई ऐसी एनर्जाइज्ड वायर जिससे आपके सर को नुकसान पहुंच सकता है। और सी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, और इसमें आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, हैमर हो सकता है और डिफरेंट इसी तरह के टूल जो गिरने की सूरत में आपके सर पे कोई भी चोट या जख्म आ सकता है। अगले चीज, अगली जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है पीपीई है, वो है हमारी आई एंड फेस प्रोटेक्शन। ये ऐसी पीपीई है जिससे हम अपनी आंखों और अपने चेहरे की हिफाजत कर सकते हैं। इसके लिए जो आंखों की हद तक चीजें हैं वो हैं सेफ्टी ग्लासेस, जो कि ये आपको दिखाई दे रही हैं, और इसके अलावा गॉगल्स जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, और फेस शील्ड जिनके आगे ये शील्ड लगी हुई है, और ताकि पूरी तरह से आपका चेहरा महफूज रह सके। फिर इसके बाद वेल्डिंग का एक अमल, एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में आपको फेस प्रोटेक्शन की इंतहाई जरूरत होती है। इसके लिए बिल्कुल क्लोज किस्म का आपका आई फेस प्रोटेक्शन के लिए वेल्डर्स हेलमेट यूज किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी हीट रेडिएशन या कोई भी फ्यूम्स वगैरह आपकी आंखों में न जाएं या आपके चेहरे को नुकसान ना पहुंचाएं। फुल बॉडी हार्नेस आपके पास है बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, कवरऑल्स होते हैं, पूरे का पूरा जिस्म आपका डांपा जाता है ताकि किसी भी हिस्से को कोई तकलीफ ना पहुंचे। फिर हमारे पास आता है जी हेयरिंग प्रोटेक्शन। हेयरिंग प्रोटेक्शन दो तरह की, एक ईयर प्लग्स हैं और एक ईयर मफ्स हैं। ईयर प्लग्स की बात करें तो ये स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं जो फिट हो जाते हैं आपके, जो आपकी ईयर का ईयर के अंदर ये आपके फिट हो जाते हैं, और जबकि ईयर मफ्स जो हैं ये पूरी तरह से आपके कानों को कवर कर लेते हैं। अब ईयर प्लग्स ज्यादातर यूज करने का मकसद ये होता है कि ईयर मफ के ही दफा यूज करने की वजह से आप हेलमेट वगैरह प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते, या कोई भी दूसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में आप ईयर मफ्स की बजाय ईयर प्लग्स को यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी जगह पे अफादियत मौजूद है, यूटिलिटी मौजूद है, तो दोनों में से कोई भी चीज हम ईयरिंग प्रोटेक्शन के लिए कंडीशंस को देखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ईयरिंग प्रोटेक्शन में फिटिंग एंड एयर प्लग, कि किस तरह से आपने एयर प्लग को फिट करना है। उसके बाद हमारे पास आती है फुट प्रोटेक्शन। फुट प्रोटेक्शन में आपके पास सेफ्टी बूट्स हैं। सेफ्टी बूट्स की डिफरेंट टाइप्स नेचर ऑफ वर्क की वजह से है, जिस तरह आप स्टोन्स पे काम करेंगे, सख्त जगहों पे काम करेंगे तो वो कुछ और है, और अगर आप इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो तब कुछ और है। तो नेचर ऑफ वर्क डिसाइड करके आप फुटवेयर, अपने जो सेफ्टी बूट्स हैं वो सेलेक्ट करेंगे फुट प्रोटेक्शन के लिए। आगे जी हमारे पास आ जाती है हैंड प्रोटेक्शन।
हैंड प्रोटेक्शन में क्या है कि हम अपने हाथों में को कैसे महफूज रख सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे सामने ग्लव्स मौजूद हैं, तो याद रखिएगा ग्लव्स के अलावा एक लॉन्ग किस्म के एक लॉन्ग ग्लव्स होते हैं जो आपकी कोनियों तक आते हैं, तो उन ग्लव्स को आप गांटलेट्स बोलते हैं। गांटलेट्स बोलेंगे जो आम ये आपके ग्लव्स हैं, इनको तो आप जनरली ग्लव्स बोलते हैं, लेकिन वो जो लंबे लॉन्ग ग्लव्स होते हैं जो आपकी कोनियों तक आए होते हैं और ज्यादातर इलेक्ट्रिक वर्क में यूज होते हैं, तो उनको हम गांटलेट्स बोलेंगे। आगे जी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जितनी जरूरत रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन की है, शायद ही बाकी चीजों की अपनी जगह अफादियत मौजूद है, लेकिन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन को उतनी ही अहमियत हासिल है जितनी की बाकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को। लेकिन यहां पर रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन जो है वो लाजमी जुज होगा, अदरवाइज आप कहीं ज्यादातर जो रिक के अंदर जो उस ऑयल फील्ड के अंदर ज्यादातर प्लेसेस ऐसी होती हैं जहां पे आप रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन के बगैर नहीं दाखिल हो सकते। तो रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन में क्या आते हैं, रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन में आपके मास्क आते हैं, आपके सेल्फ कंट्रेन ब्रीथिंग एपरेटस आते हैं, आपके रिस्पायरेटर्स आते हैं, और उनकी जो खदोखाल या खूबी है वो क्या हो, नंबर वन फिट टेस्ट के वो प्रॉपरली काम करने की हालत में हो, रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन प्रोग्राम और सॉरी रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन प्रोग्राम मतलब कि उनसे आपको मुकम्मल तौर पर रिस्पायरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्शन मौजूद हो। नो फेशियल हेयर, आपको इनको पहनने के लिए आपके कोई भी दाढ़ी या इस तरह के बाल मौजूद चेहरे पे नहीं होंगे, अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपकी ये इक्विपमेंट आपके फेस पे फिट ना बैठे और फिट ना बैठने की वजह से आपको रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन जो इस इक्विपमेंट का पर्पस है वो पूरा नहीं होगा और किसी भी तरीके से गैस या ऐसी कोई भी जहरीली चीज दाखिल हो सकेगी आपके जिस्म में नाक या मुंह में सांस लेने के अमल के दौरान, जो कि नहायत ही खतरनाक साबित हो सकती है। और कई दफा जो सबसे ज्यादा गैस इधर मौजूद है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो आपको मिनट सेकंड्स में किल कर सकती है। ये जी बॉडी हार्नेस है, बॉडी हार्नेस ये देख सकते हैं आप, इसको आप बोलते हैं बॉडी हार्नेस। इसका पर्पस क्या होता है, ये आपको रिंचेस वगैरह देते हैं जिसके अलावा आप किसी भी जगह से लटकना है, आपने लटक के कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो ऐसी सूरत में रोप्स और एंकर पॉइंट के जरिए आपको बांध दिया जाता है ताकि अगर आप किस जगह पे हैंग्ड हैं, ओवर हैंग्ड हैं या सिर्फ हैंग्ड हैं तो उससे आपको महफूज रखा जा सके गिरने से। ये आपकी फ्लोटेशन डिवाइसेस हैं। फ्लोटेशन डिवाइसेस इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आपको पता है मैंने बिल्कुल इस कोर्स के शुरू होते हुए आपको बताया था ऑफशोर का के समुद्रों में भी काम किया जाता है, तो ऐसी सूरत में फ्लोटेशन डिवाइसेस लाजमी मौजूद होंगी आपको रेस्क्यू या सिक्योर करने के लिए। लास्ट थिंग जी, इनकी ट्रेनिंग हमें लाजमी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग क्यों चाहिए कि पर्पस ऑफ द पीपीई क्लियर हो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमने बनाई क्यों है, इसका इस्तेमाल क्या है और किस हद तक हम किस पीपीई को इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने पीपीई के साथ छेड़खानी नहीं करनी, टेम्पर इसको नहीं करना बल्कि इसको इसकी अपनी हालत में महफूज रखना है। ये था हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का टॉपिक। बहुत जल्द इसके अगले टॉपिक हैजर्ड कम्युनिकेशन के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।